इंदौर में एक कॉलोनाइजर ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी टीचर है। टीचर पत्नी ने कॉलोनाइजर की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। 42 साल की टीचर का आरोप है कि कॉलोनाइजर ने उसे धोखे में रखकर शादी की है। 6 साल पहले बेटी हुई तो तलाक की धमकी दे दी। वह बेटी से अब तक मिला भी नहीं है। इस काम में उसके पिता ने भी मुझे धोखे में रखा। टीचर ने कहा, पहली पत्नी को अपने घर पर परिवार के साथ ही रखा, जबकि मुझे किराए का फ्लैट लेकर दूसरी जगह रखा। कई बार कहने के बाद भी परिवार से नहीं मिलाया। पीड़िता का आरोप है कि कॉलोनाइजर ने तीसरी शादी कर ली है। तीसरी पत्नी से कहा है कि मैं दोनों पत्नियों को तलाक दे चुका हूं। महिला थाना TI ज्योति शर्मा के मुताबिक कॉलोनाइजर सलीम खान पर उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि शादी के करीब 6 साल पहले से वह सलीम को जानती थी। अगस्त 2013 में सलीम खान के पिता शाबिर ने मुझसे कहा कि सलीम पहली पत्नी को तलाक दे चुका है, वह तुमसे शादी करना चाहता है। पीड़िता इस बात के लिए राजी हो गई। दोनों ने 25 अगस्त 2013 को शादी कर ली। पीड़िता ने बताया कि अगस्त 2013 में शादी के बाद ही सलीम उसे टाउनशिप में ले गया। टीचर पत्नी को यहाँ किराए के डुप्लेक्स फ्लैट में रखा। सलीम ने बताया कि यह तुम्हारे लिए ही खरीदा है, कुछ दिन में माता पिता भी यहीं रहने आ जाएंगे। कई दिनों तक जब परिवार यहाँ रहने नहीं आया और न सलीम ने परिवार के बाकी सदस्यों से मिलवाया, तो टीचर पत्नी को शक हुआ। उसने परिवार से मिलने की जिद पकड़ ली। इस पर सलीम ने उसके साथ मारपीट की। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि सलीम ने पहली पत्नी को तलाक दिया ही नहीं, वह माता पिता के साथ पुराने घर में रह रही है। इतना ही नहीं, जिस फ्लैट में वह रह रही है वह भी खरीदा नहीं है, किराए का है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 2015 में वह गर्भवती हो गई। उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई। इसके बाद वह सलीम को लगातार कॉल करती रही, लेकिन वह मिलने नहीं आया। इसके बाद मायके पक्ष ने उसकी अस्पताल से छुट्टी कराई और आगे की देखभाल की। हालांकि कुछ दिनों बाद वह फिर टाउनशिप में आकर रहने लगा। पीड़िता ने बताया कि इसके बाद 2018 में वह पति सलीम के घर का पता लगाकर उससे मिलने उसके महू स्थित घर पहुंच गई। यहां सलीम इस बात से नाराज हो गया कि वह घर क्यों आई। यहां सबके सामने मारपीट भी की, विवाद करने लगा और वहां से भगा दिया। पीड़िता ने बताया कि 4 साल से लगातार सलीम उसे यह कहते हुए धोखा दे रहा है कि वह उसे साथ रखकर बेटी का ध्यान रखेगा, लेकिन वह उससे मिलने भी नहीं आता।